आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं दोस्तों हमारे इस आरपीआर एजुकेशन चैनल पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे आई हुई एक नई भर्ती के बारे में, जो कि बिहार परिवहन विभाग में ये भर्ती निकल के आई है। ऑनलाइन फॉर्म आप लोग का 2019 के लिए है। बताना चाहूँगा कुल जो आप लोग का 800 प्लस पदों पर यह भर्ती होने जा रही है, जो कि सिपाही और जो अवर निरीक्षक के पद इसमें रहेंगे। कब से कब आप लोग का आवेदन होंगे और फुल नोटिफिकेशन क्या है, इस वीडियो में आप लोग को पूरी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा सभी जानकारी के लिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और आगे ले चल के आप लोग को पूरी बातें बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, जैसा कि आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे जो है पेपर कटिंग के न्यूज़ के माध्यम से ये जानकारी आई हुई है। सितंबर 2019 के ये न्यूज़ है, जो कि देख पाएंगे परिवहन विभाग में जो है 800 पदों पर नियुक्ति जल्द, ठीक है, मौका। इसी तरह आप लोग को पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो आप लोग को शॉर्टकट में बताएंगे। तो आइए चलिए आप लोग को बताते हैं। तो बताना चाहूँगा अभी जो है कुल टोटल जो है परिवहन विभाग में जो है अभी आप लोग का 804 पदों पर भर्ती होगी, ठीक है। इसमें आप लोग का तीन प्रकार की भर्ती होने वाली है। सबसे पहले आप लोग का चलन सिपाही की भर्ती होगी, ठीक है, जिसमें आप लोग का 496 पद इसमें रहने वाले हैं। साथ ही साथ दूसरी जो आप लोग का जो है पद है, इसमें आप लोग का 212 पद है, जो कि परिवर्तन अवर निरीक्षक की भर्ती इसमें होने वाली है। साथ ही साथ आप लोग का 12 साल बाद MBI की बहाली होने वाली है। इसकी पहले भी आप लोग को वीडियो बना के बताए थे कि MBI की भी बहाली यहाँ पे होने वाली है। तो इसी तरह अगर कुल देखेंगे तो 804 पदों पर यह भर्ती आप लोग को होने जा रहा है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि अप्लाई कब से होगा और जो है सभी यहाँ पे भर्तियाँ का जो है एग्ज़ाम कौन लेंगे, कब तक इसका प्रोसेस होने वाला है। तो चलिए आइए जान लेते हैं बिहार परिवहन विभाग में जो है आप लोग का 804 पदों पर जल्द बहाली प्रक्रिया यहाँ पे शुरू की जा रही है, ठीक है, यानी कि भर्ती प्रक्रिया। तो जैसा कि आप लोग को बताए 496 चलन सिपाही और 212 परिवर्तन अवर निरीक्षक की और 90 मोटर यानी कि MBI के पदों पर भर्ती होगी। यानी कि कुल जो है यहाँ पे तीन अलग अलग यहाँ पे विभाग में यहाँ पे भर्ती आई हुई है, जो कि विभाग ने जो है संबंधित आयोग को रिक्तियाँ की सूची भेज दी है, ठीक है, रिक्तियाँ भेज दिया गया है। और जो है जो बताया जा रहा है यहाँ पे 496 चलन सिपाही की भर्ती जो है केंद्रीय पुलिस चयन परिषद करेगा। देख पा रहे होंगे जो 496 पदों पर जो भर्ती होगी, ये जो है इसकी पूरा यहाँ पे प्रोसेस जो होगा वो केंद्रीय पुलिस चयन परिषद के द्वारा किया जाएगा। और वही जो है परिवर्तन अवर निरीक्षक की भर्ती जो होगी, इसकी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से इसकी बहाली होगी, यानी कि इसकी पूरी प्रक्रिया की जाएगी। पूर्व में जो MBI की भर्ती बिहार राज्य कर्मचारी चयन परिषद से होती थी, लेकिन अब जो है इस बार बिहार लोकसभा आयोग इसकी बहाली करेगी। तो देख पा रहे हो यहाँ पे अलग अलग जो है विभाग इसका अलग अलग एग्ज़ाम लेने वाले हैं। और जो है देख पाएंगे परिवहन विभाग की जो है योजना है कि अगले साल मार्च अप्रैल तक इन सारे पदों पर जो है बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, ताकि विधानसभा चुनाव में पूर्व तैनाती हो जाए और अगले माह यानी कि आप लोग का अक्टूबर में भर्ती के लिए विज्ञापन यहाँ पे जारी हो सकता है। यानी कि अभी सितंबर अक्टूबर नवंबर तक आप लोग का ये हो जाएगा। यहाँ पे अक्टूबर जैसे बोला यहाँ पे बोल दिया गया है, तो एक महीना और आगे बढ़ाते हुए हमने यहाँ पे आप लोग का नवंबर बोल दिया, ठीक है। तो नवंबर तक आप लोग का इसके लिए विज्ञापन जारी हो जाएगा, फिर आगे की प्रोसेस आप लोग को पता है कैसे क्या होने वाला है, ठीक है। और पहली बार आप लोग का जो है चलन सिपाही के लिए भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। विभाग ने पहली जो है बार 496 चलन सिपाही की भर्ती हो रही है। इसके लिए विभाग ने नई नियमावली बनाई है। केंद्रीय पुलिस चयन परिषद अगले माह भर्ती के लिए विज्ञापन निकालेगा और वाहन जांचने के लिए पहले परिवहन विभाग में होमगार्ड जवाने पर निर्भर रहता था, लेकिन अभी जो है इस निर्भरता को खत्म करने के लिए विभाग ने चलन सिपाही की बहाली प्रक्रिया का निर्णय लिया है। और MBI के पदों पर जो बहाली होने वाला है, लगभग 12 साल बाद ये बहाली होने वाली है। इसमें जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे MBI में, तो यहाँ पे हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन BTEC वगैरह लगने वाले हैं, ठीक है। और वही अगर आप लोग देखेंगे चलन सिपाही के लिए, तो आप लोग का इसमें लगभग जो है 12th प्लस आप लोग का जो होने वाला है, यानी ग्रेजुएशन लेवल आप लोग का ये होगी, ठीक है। और ये जो आप लोग का जो है परिवर्तन अवर निरीक्षक की भर्ती, इसमें भी आप लोग का ग्रेजुएशन प्लस यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो विज्ञापन आते ही इसका जो फुल नोटिफिकेशन आप लोग के साथ शेयर करेंगे वीडियो बना के, क्या एग्जैक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और क्या आगे की प्रोसेस है, वो सभी बातें आप लोग को बताएंगे। आप लोग जुड़े रहिएगा, बिहार से संबंधित कोई भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन या फिर न्यूज़
या फिर जानकारी निकल के आती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग को दी जाती है। तो इसी तरह आप लोग को जो है न्यूज़ देते रहेंगे, जो भी नोटिस आती रहेगी। तो इस वीडियो में यही था, यही कुछ इन्फॉर्मेशन था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा हमारे इस वीडियो को, और साथ ही साथ अगर इसी तरह आप लोग को जो है जॉब का अपडेट्स पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं इसी तरह नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों मिलेंगे बहुत जल्द और एक वीडियो में और एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।